बैक टू माय चैनल मेघा होम किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छोले की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, जो हर इंडियन किचन में ज़रूर से बनते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये मैंने छोले लिए हैं, जिसको मैंने रात भर सोख करके रखा था। ये एक ग्लास छोले हैं, इसे मैंने रात भर सोख करके रखा था। सुबह अच्छे से धो के इसे 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है। अब उसको बॉईल करने के बाद एक बर्तन में निकाल कर रख लिया है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी ये हैं इसके मसाले। इसके लिए मैंने 2 तेज़पत्ता लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और छोले मसाला। अगर छोले मसाला ना हो तो आप किचन किंग मसाला भी या नॉर्मल गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। और मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है, इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है 2 टमाटर को। और ये अदरक, जिसको मैंने पहले से ही कद्दूकस करके रख लिया है। चुटकी भर हींग डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, अब मैंने कुकर को गर्म होने रख दिया है। इसमें 2 से 3 टीस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप चाहें तो घी या सरसों के तेल में ही बना सकते हैं। अब ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। अब उसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। फिर ये 2 तेज़पत्ते डाले हैं मैंने, अब इसमें अदरक जो कस के रखा हुआ था वो डाल देंगे। अदरक को अच्छे से पहले भून लेंगे। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से फ्रेंड्स इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। अब अच्छे से चला लेंगे। अब जो हमने टमाटर प्यूरी तैयार की थी ना, 2 टमाटरों की, वो इसमें ऐड कर देंगे। और मसालों को और टमाटर को अच्छे से भुनने तक इसको पकाएंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब अच्छे से चला लेंगे। और उसमें मैंने 1/2 टीस्पून हींग डाली है। अब इन सबको अच्छे से डालने के बाद थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए मसालों ने अच्छा सा तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम अपने छोलों को डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है कश्मीरी लाल मिर्च के डालने से। अब इसमें सारे छोले हम डाल देंगे। छोलों को डालने के बाद अच्छे से चला के कुकर को बंद करके 2 सीटी आने तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए 2 सीटी हमारी आ गई हैं। अब मैंने इसको खोल लिया है, देखिए हमारे छोले बनके रेडी हो चुके हैं। अब इनमें हम अपना छोले मसाला डाल देंगे। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून तक छोले मसाला डाला है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हमारे छोले रेडी हैं सर्व करने के लिए। चलिए एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं।
फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही झटपट और आसान तरीके से रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसे आप भटूरे के साथ, चावल के साथ तो इंजॉय कीजिएगा भी, साथ ही रोटी के साथ भी इंजॉय कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनी है, और इसका कलर बहुत अच्छा आया। देखिए इससे तो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमारी रेसिपी आज आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।